भाई लोगों, BMCM का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आई होप आप सभी ने भी देख लिया होगा। सो यार, ट्रेलर की लेंथ ही काफ़ी ज़्यादा थी। 3 मिनट 32 सेकंड का ट्रेलर था और ट्रेलर के अंदर कई ऐसी सारी चीज़ें थी जिसको देखकर ही प्रेडिक्शन किया जा सकता है, या यूँ कहा जाए कि यार पूरी की पूरी स्टोरी हमें पता भी चल जाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं गाइज, यहाँ पर आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो यार, पूरा एक तरह से ब्रेकडाउन करेंगे ट्रेलर का, जितना हो सके बात करेंगे। सो दोस्तों, एंड तक बने रहेगा हमारे साथ। और हाँ यार, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। सो दोस्तों, सो यार मूवी ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है यार यहाँ पर पृथ्वीराज सुकुमारन के भाई साहब एक एंट्री सीन के साथ, यूं कह लीजिए यार, जिसका यहाँ पर कोई ना तो नाम है ना ही कोई पहचान है। मूवी यार सुपर सोल्जर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से दिखाने में कामयाब तो हुई है, लेकिन ट्रेलर के अंदर इन्होंने हमें कुछ ज्यादा ही दिखा दिया है। सो यार, पृथ्वी सुकुमारन के कैरेक्टर की बात करें तो इस बंदे का पहले इंडियन आर्मी के साथ कोई कनेक्शन था, या ये एक्स आर्मी मैन था और अपने कुछ हैवानीपन, या यूं कहा जाए कि अपने शैतानी खोपड़ी में कुछ उलूल जुलूल आइडियाज इसके आते होंगे, और जो इन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट रखा होगा अपने आइडियो का, तो यहाँ पर आर्मी ने उसको डिनाइड कर दिया होगा गाइस, और उसी की खुन्नस लिए बेटा है भाई साहब। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये भाई साहब यहाँ पर जो इंडियन आर्मी का एक खतरनाक वेपन होता है उसको चुरा ले जाता है इंडियन आर्मी से, यहाँ यार बदला लेने के लिए अपनी खुद की सुपर सोल्जर फौज भी तैयार करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रोनित राय बोलते हैं कि इस साइकोपैथ को रोकने के लिए हमें इससे भी बड़े सनकी की ज़रूरत होगी, और फिर एंट्री होती है हमारे खिलाड़ी कुमार और टाइगर श्रॉफ की, जो कि अच्छी खासी उनको एंट्री दी है, बंदूकें चला रहे हैं, फाइटिंग सीन कर रहे हैं, और अपने तुनक मिजाज के लिए वैसे भी अक्षय कुमार जाने जाते हैं, और यहाँ पर डायलॉगबाजी में भी वो टाइगर श्रॉफ के ऊपर 19 ही पड़े हैं। वहीं फिर उसके बाद एंट्री होती है फिल्म फीमेल स्टार की, जो कि सपोर्टिंग हमें रोल में दिखाई देगी फिल्म के अंदर। मुझे नहीं पता कि इसमें इस फिल्म के अंदर इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, या फिर यूँ कह लीजिए कि इनको कितनी ज़्यादा फुटेज मिलेगी, इसके ऊपर भी मुझे डाउट है। पूरा फोकस यहाँ पर टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार और पृथ्वीराज सुकुमारन के ऊपर ही किया जाएगा। नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि यार जो विलन है फिल्म का, यार वो अपने खिलाड़ी कुमार और टाइगर श्रॉफ को जंजीरों के अंदर बांध लेता है, और यार फिर जो टाइगर श्रॉफ की जो मसल से वो यहाँ पर काम करती है, और वो उन जंजीरों को तोड़ देता है और वहाँ से दोनों बच के निकल के भाग जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जो कि इस फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट सीन लगा मुझे, सोनाक्षी सिन्हा नज़र आती है भाई साहब। जी हाँ दोस्तों, कुछ एक सेकेंड के लिए वो नज़र आती है, और वो कुछ AI जैसा उनका कुछ चेहरा नज़र आ रहा है, और उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं, और उनको बचाने के लिए अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ वहाँ पर आते हैं, लेकिन यार ऐसा लगता है कि उनको बचाया नहीं जा सकता और उनकी डेथ हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, टाइम फिश हो जाएगी सोनाक्षी सिन्हा की इस फिल्म के अंदर, जिस तरह का वो प्लेन के अंदर और उसके बाद नेक्स्ट कॉपेट के अंदर हम देखते हैं। और तो दोस्तों, उसी के बाद एक और मज़ेदार सीन हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। यार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ आपस में ही ढाई ढाई कर रहे हैं, मतलब विलन चला गया होगा, विलन पकड़ने में नहीं आया होगा, और तो इन दोनों सोचा कि चलो कुछ तो एक्शन सीन्स कर लेते हैं। अरे मजाक था यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर जो अक्षय कुमार सर का जो चेहरा है यार, अगर गौर करके जूम करके देखोगे तो आपको AI वाला लुक लगेगा बिना कोई एक्सप्रेशन दिए। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम इसमें जिस तरह का बड़े मियाँ छोटे मियाँ है, और जिस तरह का बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी गोविंदा और अपने अमिताभ सर की थी, जिस तरह का डबल रोल था, उस तरह का कॉन्सेप्ट इन्होंने इस मूवी के अंदर हल्का सा डाला हुआ है, वो है AI वाला, लेकिन वो कुछ ही टाइम के लिए ही रहेगा, और वहाँ पर भी यार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ उनको दो डालेंगे, और दोस्तों यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाएगी। सो यार दोस्तों, कहीं ना कहीं यार जिस तरह का इन्होंने हमारे सामने कॉन्सेप्ट रखा है, जिस तरह की AI टेक्नोलॉजी हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सो यार इन्होंने पूरी फिल्म को गाइस यहाँ पर यार एक ट्रेलर के अंदर डिस्क्लोज कर दिया है। अगर कुछ चीज़ें छुपा के रखते, जिस तरह के इन्होंने विलन का चेहरा दिखाया नहीं है, तो वो एक अच्छा पार्ट है। सोनाक्षी सिन्हा के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उस सीन का भी थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की एक्साइटमेंट इस ट्रेलर को देखने के बाद लगा नहीं है। लेकिन ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा शानदार लगा मुझे पर्सनली, फिल्म का VFX काफ़ी अच्छा लगा, BGM काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन देखते हैं अब यार ऑडियंस को ये मूवी कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करने में
कामयाब हो पाती है। सो जिस तरह से यार डायरेक्टर की सोच रही है, जिस तरह का उनका विज़न रहा है, आई होप वो हमें वो थाली परोसने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये तो 10 तारीख को पता चल ही जाएगा। सो दोस्तों ये था यार ट्रेलर को लेके छोटी मोटी कुछ बातें। अच्छी लगी हो आपको तो यार लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।